जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा मारुति जो है वो अपनी वैगनर इलेक्ट्रिक को काफी टाइम से भारत में टेस्ट कर रहा है और उसका आप स्पेशल ऑर्बिंग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बट आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इट हैज बीन स्पॉटेड अनडिस्गाइज्ड। तो बिना किसी देरी के आप इसकी इमेज अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ऑल इमेज क्रेडिट गोज टू MRD ब्लॉग्स या MRD कार्स यूट्यूब चैनल, तो उन्हीं की तरफ ये सारा क्रेडिट जाता है, नोबडी एल्स। तो अगर हम बात करें गाड़ी के रेयर के बारे में, तो आप देख सकते हैं रेयर में आपको काफी सब्सटैंशियल चेंजेस देखने को मिल जाते हैं इस व्हीकल में एज कम्पेयर विद द पेट्रोल वैगनर। तो आप देख सकते हैं ब्लैक्ड आउट बॉडी क्लैडिंग इसमें आपको बम्पर पे देखने को मिल जाती है। रेयर रिफ्लेक्टर्स को आपको एक टाइप से वर्टिकल शेप में जो है वो सीधी शेप में पोजिशन कर रखा है। आपको टेल लैंप्स में भी थोड़ी बहुत रीप्रोफाइलिंग देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल और एंगल से भी आप देख सकते हैं इसका जो रेयर प्रोफाइल है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो फ्रंट कुछ ऐसा दिखेगा गाइस, और इसके जो टर्न सिग्नल्स हैं वो आपको टॉप पे देखने को मिलेंगे। उसके नीचे आपको जो इसके हेडलैम्प्स है LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, उससे नीचे आपको LED फॉग लैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं। बट मेजर ट्विस्ट जो इस व्हीकल में आता है वो है ये, आप देख सकते हैं ये है इस व्हीकल का अलॉय व्हील जो आइग्निस से आइडेंटिकल है, यानी कि मारुति आइग्निस से, और इस पे टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिलता है। इवन कि MRD ब्लॉग्स ने ये भी बताया कि जब वो गाड़ी के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने इंटीरियर में भी नज़र डाली, तो उसमें इंटीरियर में भी उन्हें टोयोटा का लोगो दिखा था, बट एक्सटीरियर पे और कहीं टोयोटा का लोगो नहीं था इंस्टेड ऑफ द अलॉय व्हील्स। तो क्या वैगनर EV को, वैगनर इलेक्ट्रिक को टोयोटा बेचेगा? वेल, टोयोटा ब्रांडेड EV मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि मारुति जो है वो अभी तक पीछे हट रहा था टू लॉन्च देयर वैगनर इलेक्ट्रिक इन इंडिया, बिकॉज दो रीजन थे। एक तो हाई प्राइस रखा जाना था, दूसरा जो रीजन था दैट वॉज रिलेटिवली लो एक्सपेक्टेड सेल्स, क्योंकि इसकी सेल्स भी कम होनी थी, बिकॉज मारुति की जो ब्रांड इमेज है वो है सस्ती गाड़ियाँ बनाने की। और अगर मारुति लॉन्चेस दिस वैगनर इलेक्ट्रिक इन इंडिया, इट वुड एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 9 लाख या मे बी कम से कम 8 लाख से तो ये शुरू होनी ही होनी है, और इसकी रेंज भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी, आई गेस 150 या 200 किलोमीटर तक की रेंज होगी। बट टोयोटा हैज़ अ प्रीमियम ब्रांड इमेज इन इंडिया, तो ये जो प्रोडक्ट रहेगा वैगनर इलेक्ट्रिक, ये माइट फिट परफेक्टली विद द ब्रांड टोयोटा। तो क्या पता अभी के लिए टोयोटा इस व्हीकल को लॉन्च करे, बट फ्यूचर में मारुति विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस देयर वैगनर इलेक्ट्रिक। इस व्हीकल का जो रूमर नेम चल रहा था अभी तक वो था XL5, बट एज अ टोयोटा व्हीकल इस व्हीकल का जो नाम है वो कुछ और ही रखा जाएगा। अभी के लिए मेरे पास और कोई आपके लिए डिटेल नहीं है, मैं ना ही आपको बता सकता हूँ कि इस व्हीकल का लॉन्च कब होना है, बट हाँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन स्पॉटेड अनडिस्गाइज्ड, और हमें एक क्लियर लुक देखने को मिल जाती है कि ये व्हीकल कैसी दिखने वाली है। इंटीरियर के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीरियर में हमें ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे सिवाय एक टोयोटा लोगो के, एंड ऑफकोर्स ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही ऑफर करी जाएगी, एंड मैनुअल के साथ तो नहीं करी जाएगी। एंड जैसे ही कोई और नया अपडेट आता है ऑन दिस व्हीकल, आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो गाइज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप लाइक बटन दबाएंगे सो दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिथम टू रिकॉग्नाइज माई चैनल। एंड गाइज ऑल्सो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।